रेट एंट्री था मेरी 60 दस्तों अरे रेट हिम्मत कर हिम्मत कर। एंट्री था मेरी 60 दस्तों रेट एंट्री था मेरी 60 दस्तों नॉर्मल रेट क्या है? सिक्सटी टू था, सिक्सटी 100 बीट पर मिनट। और इसमें पैथोलॉजी कौन कौन से हो सकती हैं? नंबर वन साइनस ब्रैडीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया। नंबर टू साइनस टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया बहुत इजी है। साइनस ब्रैडीकार्डिया क्या होगा अगर इसका डायग्नोस लगाएंगे यानी ईसीजी से, लेकिन मैं उसको उसके लिए आपसे समझा देता हूँ। पी वेव, पी आर सेगमेंट, क्यू आर एफ, टी वेव और पी वेव, क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स, टी वेव। यानी आर आर डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, अगर किसी पर्सन का हार्ट रेट क्या है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो और ईसीजी करवाएं और हर बीट के अंदर पी वेव हो, तो उसको कहते हैं कि उसको साइनस साइनस ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया। यानी साइनस, साइनस नोड, ऐसे नोड वर्क कर रहा है लेकिन हार्ट रेट स्लो है। इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? रीजन, अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ड्रगें यूज कर रहा हो, अगर पेशेंट में क्या कहते हैं ये करोटेड जो बैरोरिसेप्टर्स हैं इनको प्रेस किया जाए, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड हार्मोन का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो T3 और T4 है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, इस कंडीशन में हो सकता है। या पेशेंट को हार्ट अटैक यानी एंजाइना पेक्टोरिस के रिजल्ट में ऐसे नोड का क्या हो गया वहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, उसके रिजल्ट में भी हो सकता है। यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकता है साइनस ब्रैडीकार्डिया की ये एटियोलॉजी। और इसका डायग्नोस करना होता है ईसीजी से, जी ईसीजी से। और इसमें साइनस सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट में उसका कलर बॉडी का येलो और पेल पीला हो हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट स्लो होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, फटीग होगा, और जैसे कोई टेंशन पड़ेगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस होकर मिल गिर जाए। साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता है? हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स, साइनस टैकीकार्डिया बीट पर मिनट। साइनस ब्रैडीकार्डिया में हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, लेकिन हर क्यू आर एस से पहले पी वेव आनी चाहिए और आर आर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ईसीजी के ऊपर। इसकी एटियोलॉजी क्या होगी? यानी एट्रोपिन ड्रग यूज करने के रिजल्ट में होता है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर ड्रगें यूज बीटा एगोनिस्ट ड्रगें यूज करने से होता है जो हार्ट रेट को फास्ट करती हैं। हाइपर थायरॉइडिज्म के रिजल्ट में होगा, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन बढ़ने के रिजल्ट में। और इसमें क्या होगा? आर आर डिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, इधर से पी वेव स्टार्ट हो जाएगी और हार्ट रेट या मोर देन 100 बीट, मे बी 150, 160, लेकिन आर से पहले पी वेव आनी चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है साइनस सिकनेस सिंड्रोम, साइनस सिकनेस सिंड्रोम, साइनस सिकनेस सिंड्रोम। साइनस सिकनेस सिंड्रोम में क्या होता है कि ऐसे नोड का इस्कीमिया होने के रिजल्ट में, ऐसे नोड की फाइब्रोसिस होने के रिजल्ट में, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट पहले नॉर्मल चल रहा है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, कभी ऑटोमेटिकली हार्ट जो है वो स्लो हो जाता है और उसके बाद पी वेव आती है। और इसमें कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या टी वेव या पी आर सेगमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऑटोमेटिकली कभी हार्ट जो है स्लो हो जाता है यानी कभी बीटम नहीं आती, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देता है, कभी तेज हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं साइनस सिकनेस सिंड्रोम। हो गया। और इसका डायग्नोस करना होता है ईसीजी से। और पेशेंट में प्रॉब्लम क्या होगी? पेशेंट में स्लीपीनेस होगी, अनकॉन्शियस होने की प्रॉब्लम और वीकनेस, फटीग, डिस्पिनिया एटसेट्रा, सेम। उसके बाद आता है एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन और इनकी भी एटियोलॉजी हाइपरथायरॉइडिज्म या ड्रग यूज करने के बाद हो सकता है। एट्रियल फ्लटर, इसमें ईसीजी के अंदर डायग्नोस सारे हार्ट रेट एंड रिदम का ईसीजी से करवाना होता है। इसमें क्या आएगा? इस तरह की ईसीजी आएगा, ईसीजी पैटर्न।
यानी पी वेव जो है, नॉर्मल जो पी वेव है वो अबसेंट होगी, इसमें क्या होगा एक्टोपिक बीट होना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एस एनोड पेसमेकर है, लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर इस्कीमिया होने के रिजल्ट में, हाइपरथायरॉइडिज्म होने के रिजल्ट में एक्टोपिक पेसमेकर स्टार्ट हो जाए यहाँ से, और ये बार बार इम्पल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो इसी जी के अंदर एफ वेव आएगी, तो इसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। और ये क्या होती है, सार्टोथ लाइक इसका अपीयरेंस होगा, और ये बार बार आप डिपेंड करता है फिर कितनी एफ वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो उसकी उतनी रेंज होती है। और इस पेशेंट में तेरे ट्रीटमेंट के लिए साथ एंटी कोएगुलेंट यूज करवानी होती है, ब्लड क्लॉटिंग नो, एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन में क्या होता है, फिब्रिलेशन में इस तरह का पैटर्न आएगा, यानी इसमें इसको कहते हैं स्मॉल एफ वेव, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नहीं आती, सीधी लाइन आती है, उसके ऊपर नीडल बैठ गया, नीडल मूव करती है और चार बार आ रही है, पांच बार आ रही है, छह बार आ रही है, अब डिपेंड करता है कि एट्रियल रेट कितना है, तो उसके रिजल्ट में ईसीजी प्रोड्यूस होगी। ये फ्लटर की ईसीजी और ये फिब्रिलेशन की ईसीजी, एट्रियल फिब्रिलेशन की। वेंट्रिकल का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एवी नोड या बंडल ऑफ एज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ एक्टोपिक पेज में कर काम कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में। और मोस्ट कॉमन जो एटियोलॉजी होती है वो इस्कीमिया यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के रिजल्ट में स्टार्ट हो सकती है, या जो हमने डिजीज पढ़ी थी वाल्वुलर पैथोलॉजी, मिट्रल रिगुर्जिटेशन होने के रिजल्ट में एट्रियल चैम्बर बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए, मिट्रल स्टीनोसिस होने के रिजल्ट में हो जाए, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने के रिजल्ट में हो जाए, या कोई इस किस्म की पैथोलॉजी जो भी। नेक्स्ट रहता है जो एवी नोड ब्लॉक है, वो पढ़ा दिए थे, तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि सिर्फ पी आर सेगमेंट जो है उसकी लेंथ बढ़ती है, बाकी सारी इसी चीज नॉर्मल होगी, हर पी के बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स, पी रेशियो क्यू आर एस कम्प्लेक्स 1:1 आएगा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी वेव के बाद पी आर सेगमेंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो जाएगा, और कभी कभी क्यू आर एस कम्प्लेक्स बीट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टू टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप वन में फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल, सेकंड में पीआर सेगमेंट बढ़ेगा, थर्ड में और बढ़ेगा, फोर्थ में बीट हो जाए ब्लॉक हो जाए ड्रॉप हो जाएगी, उसके बाद दोबारा नॉर्मल पैटर्न। और मोबिट्स टाइप टू जो है उसमें पीआर सेगमेंट की लेंथ तकरीबन सब में कांस्टेंट रहती है, और कभी कभी बीट बीट ड्रॉप हो जाती है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटली कंट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल रेट डिफरेंट होता है वेंट्रिकुलर रेट डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इस तरह का इलेक्ट्रिक पैटर्न आएगा, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ हद तक ड्रा होगा, लेकिन जो नॉर्मल हमने ईसीजी पैटर्न पढ़ा उस तरह नहीं माना, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हार्ट रेट मे बी 150, 160, लेकिन इसमें एक्टोपिक बीट हो रही है, पी वेव प्रेजेंट नहीं है, वेंट्रिकल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है। वेंट्रिकुलर फ्लटर में इस तरह का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पैटर्न आएगा, यानी और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा और हार्ट रेट फास्ट होता जाएगा फ्लटर में। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसमें क्या होगा इस तरह का पैटर्न आएगा, और फिर उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक लाइन और इसके बाद पेशेंट की डेथ। ये वेंट्रिकुलर वी फिब, वी फिब। और इसके बाद एक और पैथोलॉजी होती है उसको कहते हैं टोर्सा, टोर्सा डीप पॉइंटिस। इसमें क्या होता है कि ईसीजी पैटर्न में कभी ईसीजी का पैटर्न ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, यानी पॉइंट के ऊपर ईसीजी जो है कभी वेव एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है, ये है रेट और रिदम का।